हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कहानीकार में। मैं काफ़ी लंबे टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, बट फ्रॉम द डे ऑनवर्ड्स मैं वीकली बेसिस पर एक वीडियो अपलोड करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर स्टोरी। इट डजंट मैटर दैट द स्टोरी वॉज ट्रू और नॉट, बट लुक एट द पावर ऑफ द स्टोरी। एक बार क्या होता है, एक मैजिशियन होता है, एक जादूगर होता है। उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि वो कोई भी डोर का लॉक ओपन कर सकता है, चाहे वो घर का डोर हो या फिर जेल का। बट जो मैजिशियन होता है वो अपने ट्रिक को किसी भी गलत काम के लिए यूज नहीं करता है। तो एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ उसे अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि हम आपके साथ में एक शो करना चाहते हैं जिसमें आपको एक बॉक्स में बंद करके समुद्र में फेंक दिया जाएगा। आपको उस बॉक्स का लॉक ओपन करके बाहर निकलना है। अगर आप ओपन करेंगे तो आप समुद्र से स्विमिंग करके बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज बॉक्स के अंदर एक इमरजेंसी स्विच होगा, अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो हम लोग आपको बाहर निकाल देंगे। तो जो मैजिशियन होता है वो रेडी हो जाता है क्योंकि उसका प्राइस बहुत अच्छा होता है, उस शो का प्राइस बहुत अच्छा मिल रहा होता है मैजिशियन को। थोड़े टाइम बाद में जब शो होता है तो मैजिशियन को एक बॉक्स के अंदर बंद करके समुद्र में फेंक देते हैं। तो मैजिशियन अपनी पॉकेट से एक स्टील वायर निकालता है और कोशिश करता है उस डोर को ओपन करने की, और धीरे धीरे कोशिश करता रहता है लेकिन वो ओपन नहीं होता है। धीरे धीरे ऑक्सीजन जो होती है खत्म हो जाती है, बॉक्स की सांस घुटने लगती है मैजिशियन की। तो वो एक काम करता है कि जो बॉक्स में इमरजेंसी की होता है, इमरजेंसी बटन होता है, उसे प्रेस कर देता है और उसे बाहर निकाल देते हैं। जब बाहर आ जाता है तो वो ओपन करने के लिए थोड़ा सा डोर को प्रेस करता है और थोड़ा सा धक्का लगने से गेट जो होता है बॉक्स का वो खुल जाता है। वो जब गेट खुलता है तो मैजिशियन सोचते हैं कि डोर तो लॉक ही नहीं था। अगर मैं अपनी इतनी सारी जो टेक्निक्स और ट्रिक्स थी उनको यूज ना करके सिंपली डोर को धक्का लगा था तब भी मैं बाहर निकल सकता था, तब भी मैं ये शो जीत सकता था। गाइस, सेम गोज इन अवर लाइफ, सेम रूल इज अप्लाई इन अवर लाइफ। कई बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती नहीं है, बट हम छोटे छोटे इश्यूज को अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स मान लेते हैं और उनकी वजह से परेशान होते रहते हैं। समटाइम्स इट इज ओके टू डू नथिंग, क्योंकि जब हम फ्री होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे आइडियाज आते हैं जो कि तब नहीं आते हैं जब हम बिजी होते हैं, राइट? एंड हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी हमें लगती है। थैंक यू वेरी मच।